नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैचों के रिकॉर्ड्स, स्टैट्स और उनके रिजल्ट। चलिए देख लेते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजकल T20 मैच खेले जा रहे हैं और दूसरा मैच 23 तारीख को नागपुर में खेला जाएगा। अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 मैच हुए हैं, जिसमें 13 इंडिया जीता है और 10 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 9 रिजल्ट 1 हुए हैं, टाइट 0 हुए हैं। और इंडिया ने होम में घरेलू मैदान में 4 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 मैच जीते हैं। और अवे फ्रॉम होम इंडिया ने 7 मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच जीते हैं। न्यूट्रल ग्राउंड में इंडिया ने 2 मैच जीते हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और फर्स्ट बैटिंग में इंडिया ने 5 बार जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार जीत हासिल की है। और सेकंड बैटिंग जब आई इंडिया की तो इंडिया ने 8 बार जीते हैं इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीती है। इंडिया के मिनिमम रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 74 है और ऑस्ट्रेलिया के 86 रन है अगेंस्ट इंडिया के। मैक्सिमम रन जो पिछला मैच हुआ था उसमें इंडिया ने 208 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया में जीत गया था 211 रन से, तो मैक्सिमम रन ऑस्ट्रेलिया ने 211 बनाए। इंडिया की लाइनअप, रोहित शर्मा कैप्टन है, केएल राहुल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, दीपक चहल, जसबीर बुमराह और उमेश यादव खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप देख रहे थे, सीन अबॉट, एस्टन अगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नेथन एलिस, एरोन पिंच, कैमरून ग्रीन, जोस हेजेजोल, जोस इंग्लिस, ग्लैन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, डैनियल सैम्स, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेडे और एडम जैम्पा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अब बैटिंग लाइनअप देख लेते हैं इंडिया की। रोहित शर्मा ने 137 मैच खेले T20 और 3631 रन बनाए इन्होंने। 4 बार इन्होंने सेंचुरी बनाई है T20 में और 28 बार इन्होंने 50 बनाई है। विराट कोहली ने 105 मैच खेले और 3586 रन बनाए हैं और एक बार इन्होंने 100 बनाया है और 32 बार इन्होंने 50 बनाई है। केएल राहुल ने 62 मैच खेले, 2118 रन बनाए हैं, 2 बार इन्होंने 100 बनाए हैं और 18 बार इन्होंने 50 बनाई है T20 में। सूर्य कुमार यादव ने 29 मैच खेले, 857 रन मारे हैं इन्होंने और एक बार इन्होंने सेंचुरी बनाई है, 6 बार इन्होंने 50 बनाई है। ऋषभ पंत ने 58 मैच खेले हैं T20, 934 रन बनाए इन्होंने और 3 बार इन्होंने 50 बनाई। हार्दिक पांड्या ने 71 मैच खेले हैं, रन इन्होंने 955 रन बनाए हैं, 2 बार इन्होंने 50 बनाई है T20 में। बॉलिंग लाइनअप देख लेते हैं। जसबीर बुमराह जिन्होंने 58 मैच खेले हैं और 69 रन बनाए हैं। भुवनेश्वर कुमार 78 मैच खेले हैं, 84 रन बनाए हैं, 3 बार इन्होंने 4 बार विकेट लिए हैं और 2 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल 27 मैच खेले, 24 विकेट लिए इन्होंने। यजुवेंद्र चहल 67 मैच खेले इन्होंने, 84 रन बनाए, 84 विकेट लिए, 2 बार इन्होंने 4 विकेट लिए और 1 बार इन्होंने 5 विकेट लिए। बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की देख लेते हैं। एरोन फिंच 93 मैच खेले इन्होंने, 2877 रन बनाए इन्होंने, 2 बार इन्होंने 100 बनाया और 17 बार इन्होंने 50 बनाई है T20। ग्लेन मैक्सवेल 88 मैच खेले इन्होंने, 2018 रन बनाए हैं, 3 बार इन्होंने 100 बनाया और 9 बार इन्होंने 50 बनाई T20 में। मैथ्यू वेडे T20 में इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, 64 मैच खेले, 873 रन बनाए हैं, 3 बार इन्होंने 50 बनाई। स्टीव स्मिथ का T20 रिकॉर्ड देख लेते हैं, 58 मैच खेले, 963 रन बनाए हैं और 4 बार इन्होंने 50 बनाई है। कैमरून ग्रीन का T20 रिकॉर्ड देख रहे हैं, 2 मैच खेले इन्होंने, 63 रन बनाए, 1 बार 50 बनाई है। जोस इंग्लिश का 8 बार इन्होंने मैच खेले T20 और 196 रन बनाए। बॉलिंग लाइनअप देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जोस हेजलवुड जिन्होंने 31 मैच खेले हैं, 48 विकेट लिए हैं, 4 बार इन्होंने 4 विकेट लिए। एडम जम्पा 63 मैच खेले इन्होंने, 71 विकेट लिए और 1 बार इन्होंने 5 विकेट लिए। नेथन एलिस 4 मैच खेले इन्होंने, 12 विकेट लिए, 1 बार इन्होंने 4 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल 88 मैच खेले हैं, 36 विकेट लिए हैं इन्होंने। तो ये थी जानकारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड T20 रिकॉर्ड्स, T20 में रिकॉर्ड। धन्यवाद।